सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइज आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल के नेटवर्क सेक्शन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोबाइल के नेटवर्क सेक्शन में लगी सभी आईसीयू की रिक्वायरमेंट के बारे में। कौन कौन सा वोल्टेज आना चाहिए, कितना वोल्टेज आना चाहिए मोबाइल के नेटवर्क सेक्शन में, कौन कौन सी लाइनें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन सी लाइन को हमें चेक करना चाहिए, डिटेल के अंदर जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं और मोबाइल के नेटवर्क सेक्शन को रिपेयर करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप के शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। आज के इस वीडियो से आपको काफी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। नेटवर्क सेक्शन के ऊपर ये हमारा पार्ट 3 रहेगा। इससे पहले हमने दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। पहले आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि मोबाइल के नेटवर्क सेक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे और आप अपने शॉप पे बैठ के बिल्कुल फ्री में बेसिक से लेके एडवांस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग सीखते रहें। ऑलरेडी हमने इस चैनल के ऊपर काफी सारे वीडियो डाल के रखे हुए हैं। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार आप उन सभी वीडियो को देख लीजिए, उन वीडियो से भी आपको काफी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर दें। देखिए गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोबाइल के नेटवर्क सेक्शन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोबाइल के नेटवर्क सेक्शन में आपको 7 से 8 आईसियां देखने को मिलेंगी। उन सभी आईसियों की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होना जरूरी है। अगर कोई भी आईसी खराब हो जाती है या फिर किसी भी आईसी की जो लाइन है वो ब्रेक हो जाती है या फिर किसी भी आईसी की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं होती है, तो ऐसे में आपको मोबाइल के नेटवर्क सेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। और मोबाइल के नेटवर्क सेक्शन में कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जैसा कि गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक जो डायग्राम है उसको ड्रॉ किया ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास कर सकूँ। अच्छे से समझाने की कोशिश मैं आपको करूंगा इस डायग्राम के थ्रू। जैसा कि आपको पता होगा कि मोबाइल के नेटवर्क सेक्शन में 7 से 8 आईसियां आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आईसीयू को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। एक आईसी मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, जो कि टोनर आईसी होता है, मोबाइल के सेव बोर्ड में मिलता है। सभी फोन के अंदर वो आईसी नहीं मिलता, लेकिन उस आईसी को हम अलग से पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम इन 7 आईसीयू के बारे में पढ़ने वाले, इनकी रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ने वाले। सबसे पहले हमारी जो आईसी रहेगी वो है हमारी पीएम आईसी, पावर आईसी, उसके बाद WTR है, DRX आईसी है, CPU है, 4G आईसी है, 2G 3G आईसी है और एक हमारा APT आईसी हो गया। अगर गाइज इन आईसीयू की रिक्वायरमेंट को आप कंप्लीट कर देते हैं, अच्छे से आप मोबाइल के सेक्शन को चेक कर लेते हैं, तो गाइज 110% गारंटी के साथ बोल सकता हूं ऐसा कोई फोन नहीं होगा जो आप रिपेयर नहीं कर सकेंगे नेटवर्क सेक्शन के अंदर। तो चलिए मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं कि ये जो आईसी होती हैं इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है और कैसी ये वर्किंग करती हैं। सबसे पहले गाइज हमारी यहाँ पे लगी हुई है पावर आईसी, जिसको हम बोलते हैं पीएम आईसी, ठीक है। इससे गाइस 2 वोल्टेज निकल के WTR आईसी के अंदर चले जाते हैं। एक होता है हमारा 1.8 वोल्टेज और दूसरा होता है हमारा 1.0 वोल्टेज। अगर SDR आईसी लगा हुआ है तो इसके अंदर 1.2 वोल्टेज, एक एक्स्ट्रा वोल्टेज आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस हमारी जो PM आईसी होती है, इससे XO IN की जो फ्रीक्वेंसी है वो जनरेट होती है और वो हमारी WTR आईसी के अंदर चली जाती है, जो कि 19.2 या फिर 26 MHz की आपको देखने को मिलती है। और इस फ्रीक्वेंसी को गाइस आपको DSO से चेक करना होता है। मैक्सिमम चांस के अंदर मैंने देखा है कि फोन के अंदर ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, XO IN की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये WTR के अंदर नहीं पहुंचती और मोबाइल नो सर्विस के अंदर चला जाता है। क्योंकि गाइस इस लाइन के अंदर एक तो सीरीज में कैपेसिटर लगा होता है और एक यहां पे रजिस्टर लगा होता है। ये जो रजिस्टर यहां पे लगा होता है ये कई बार ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से गाइस ये लाइन ब्रेक हो जाती है और यहां तक फ्रीक्वेंसी यहां पे पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से हमारे फोन के अंदर नेटवर्क सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है और फोन नो सर्विस के अंदर चला जाता है। तो इस बात का आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो पीएम आईसी से यहाँ पे गाइज 2 वोल्टेज निकल के यहाँ पे WTR के अंदर चले जाते हैं। SDR है तो एक एक्स्ट्रा वोल्टेज देखने को मिलेगा। इसके अलावा XO IN जो है वो भी आपको आपको WTR के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारी जो पीएम आईसी है, इससे एक वोल्टेज RF सेक्शन के अंदर CPU के अंदर भी चला जाता है, जिसको गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा MPPDAC 1.2 वोल्टेज है, जो कि हमारा पावर आईसी से निकल के हमारे CPU के RF सेक्शन के अंदर, जिसको हम नेटवर्क सेक्शन बोलते हैं, उसके अंदर जाता है। तो ये जो वोल्टेज है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये वोल्टेज ब्रेक हुआ तो कहीं ना कहीं पूरा नेटवर्क जो सेक्शन है ये आपका ऑफ कंडीशन या स्लीप मोड के अंदर या फिर डेड कंडीशन के अंदर चला जाएगा और फोन के अंदर कोई भी नेटवर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो अभी हमने समझा कि पावर आईसी से कौन कौन से आईसी निकलते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं WTR आईसी के बारे में, ठीक है, जो कि हमारी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आईसी होती है। सबसे पहले हम इसी आईसी को चेंज करते हैं। हमारे पास कोई भी मोबाइल नेटवर्क सेक्शन में रिपेयर होने के लिए आता है तो सबसे पहले हम इस आईसी को चेंज करते हैं। सबसे ज्यादा जो आईसी चेंज होती है वो है गाइस हमारी WTR आईसी, चाहे वो खराब हो या फिर ना हो, ओके कंडीशन में हो, लेकिन हम इसको एक बार जरूर चेक करते हैं। सभी टेक्नीशियन इसको करते हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आप भी सबसे पहले WTR आईसी को चेंज करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम WTR ICA इसकी रिक्वायरमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए गाइस, आपने देख लिया कि PM ICA इससे वोल्टेज निकल के इसके अंदर चले आ रहे हैं, ठीक है। एक 100 इनकी जो लाइन है वो भी इसके अंदर कनेक्ट हो रही है। अब गाइस हम इसके अलावा अगर इस आईसी की रिक्वायरमेंट की बात करें तो इस आईसी के अंदर गाइस दो लाइनें इंपॉर्टेंट होती है, RFFE क्लॉक और RFFE डाटा। ये दोनों लाइनें गाइस हमारी यहाँ पे सीपीयू से निकलने के बाद इस आईसी के अंदर चली जाते हैं, ठीक है, जो कि आप डीएसओ से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है फिर नहीं हो रही। कई बार ऐसा देखा है कि आरएफपी क्लॉक या फिर आरएफपी डाटा की जो लाइनें होती हैं ये ब्रेक हो जाती हैं। कई बार जो सीपीयू होता है इसकी तरफ से बोल ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से फोन नो सर्विस या फिर गाइस इमरजेंसी कॉल पे चला जाता है। और जब आप सीपीयू को निकाल के रिबॉल करते हैं तो आपका जो फोन है वो ओके कंडीशन में हो जाता है, फोन के अंदर नेटवर्क आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दो लाइनें गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि गाइस कई बार हम WTR चेंज करने से हमारे फोन के अंदर नेटवर्क आ जाता है तो कई बार क्या होता है कि ये दोनों लाइनें यहां पे गाइस ड्राई हो जाते हैं, और जब हम उसको निकाल के रिबॉल कर देते हैं या फिर चेंज कर देते हैं तो फोन के अंदर नेटवर्क देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों लाइनें गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर गाइस मैं बात करूं, यहाँ पे चार लाइनें आपको यहाँ पे DRX आईसी से इस WTR के अंदर कनेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि एक सिग्नल रिसीवर लाइनें हैं। ये सिग्नल को DRX आईसी वो सिग्नल को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद ये WTR को देता है। तो ये चार लाइनें जो बैंड, हम जिसको बैंड लाइनें बोलते हैं या फिर बैंड फ्रिक्वेंसी की लाइनें बोलते हैं, ये जो लाइनें होती है गाइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका अलग अलग नाम होता है, जैसे कि बैंड 1 हो गया, बैंड 2 हो गया, बैंड 39, बैंड 41, ऐसे गाइज ये जो लाइनें होती हैं, चार लाइनें आपको यहां पे देखने को मिलती हैं, जो कि DRX आईसी से निकलकर WTR आईसी के अंदर चली आती हैं। तो ये गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन गाइस कई बार मैंने ऐसा देखा है कि अगर ये लाइन वाटर डैमेज के टाइम पे ब्रेक भी हो जाते हैं तभी फोन के अंदर नेटवर्क देखने को मिल जाता है, लेकिन थोड़ा लो नेटवर्क देखने को मिलता है, ठीक है। हालांकि ये जो लाइनें हैं ये अगर ब्रेक हो जाएंगे तो लो नेटवर्क देखने को मिलेगा, लेकिन फोन के अंदर नेटवर्क आता रहेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे किसी भी एक बैंड से आपका जो नेटवर्क है, सिग्नल है, वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है और फोन के अंदर नेटवर्क देखने को मिलता है। तो वाटर डैमेज के टाइम पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रेक हो जाती हैं, अदरवाइज इस लाइनों के अंदर आपको प्रॉब्लम काफी कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो इन लाइनों को भी आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। इसके अलावा गाइज मैं अगर बात करूं इंपॉर्टेंट लाइन की WTR के अंदर कनेक्ट होने वाली, तो वो है गाइस हमारी सीपीयू से निकल के WTR के अंदर आने वाली IQ लाइन के बारे में। IQ लाइन आपको यहाँ पे चार लाइनें यहाँ पे WTR के अंदर देखने को मिलती हैं, और ये चारों लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार आपने देखा होगा कि हम जो WTR है उसका डाटा अगर मैच करते हैं, डाटा को अगर हम रीड करते हैं, तो आपने देखा होगा कि GR के अंदर कई बार प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि IQ जो लाइन होती है इस लाइन के ऊपर कई बार WTR की साइड में कोई भी GR देखने को नहीं मिलता। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, CPU को रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये चारों लाइन गाइज आपके WTR के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो गाइस ये जो WTR आईसी होती है इसके अंदर लगभग 20 के आसपास ऐसी पिनें होती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। उनका GR आपको मतलब नोट करके रखना चाहिए। कभी भी आपके पास में नेटवर्क सेक्शन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी फोन रिपेयर होने के लिए आता है, तो ऐसे में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो WTR का जो डाटा है उसको आपको एक बार मैच कर लेना, यानी GR मैच कर लेना। सिर्फ 18 से लेकर 20 लाइनें होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो WTR के बारे में हमने जाना कि चार लाइनें ये इंपॉर्टेंट होती हैं, RFPP क्लॉक और RFPP डाटा की दो लाइनें ये इंपॉर्टेंट होती हैं, IQ लाइन जो CPU से निकल के इसमें आ रही है ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, 100 इन और 1.0 वोल्टेज और 1.8 वोल्टेज जो लाइन होती है वो WTR IC के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये इनमें से कोई भी लाइन ब्रेक हुई फोन के अंदर नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तो गाइस हमने बात कर लिया WTR के बारे में। इसके अंदर दो से तीन लाइनें और भी इंपॉर्टेंट हैं जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, अभी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद गाइस हम बात करें DRX IC की,
तो DRS आईसी के अंदर गाइस ये दो लाइनें हमारी सीपीयू से निकल के, जिसको हम आईक्यू लाइन बोलते हैं, जो कि यहाँ पे है, यही लाइन निकल के सीपीयू से DRS आईसी के अंदर कनेक्ट होती हैं, ताकि सीपीयू इसको कंट्रोल कर सके। इसके अलावा गाइस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वोल्टेज की, तो 2.8 वोल्टेज और 1.8 वोल्टेज, दो वोल्टेज आपको पावर आईसी से इस आईसी के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूँ RFFE क्लॉक और RFFE डाटा का, तो ये गाइस सीपीयू से निकल के इस आईसी के अंदर कनेक्ट होता है, और ये जो लाइन होती है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनमें से कोई भी लाइन है वो आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा गाइस अगर हम यहां पे बात करें APT IC की, तो APT IC होती है ये गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा होगा कि APT IC की वजह से फोन के अंदर कई बार नेटवर्क सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन गाइस APT IC का काम होता है फोन का जो नेटवर्क होता है उसको बूस्ट करना, ठीक है, उसको बूस्ट करना। इस आईसी को हम बाईपास भी कर सकते हैं, आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको इसके अलग से एक वीडियो बना के दूंगा, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन गाइज एक चीज मैं आपको बता दूंगी, अगर APT IC है, इसके अंदर RFFE क्लॉक और RFFE डाटा, अगर गाइज ये हमारा 4G और 3G 2G आईसी से कनेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट अगर किसी एक आईसी से कनेक्ट होता तो फोन के अंदर नेटवर्क देखने को मिलता, लेकिन अगर RFFE क्लॉक और RFFE डाटा की जो लाइन है वो गाइज प्रॉब्लम करती है इस आईसी के खराब होने से, इसीलिए फोन नो सर्विस पे चला जाता है। जब हम इस आईसी को चेंज करते हैं और काफी सारे फोन के अंदर बाईपास करते हैं, तो फोन के अंदर नेटवर्क देखने को मिलता है। तो इस आईसी के रिक्वायरमेंट की बात करूं, तो दो लाइनें सीपीयू से निकल के RFFE क्लॉक RFFE डाटा, जो कि दो लाइन सीपीयू से निकल के इसके अंदर कनेक्ट हो जाती है, इनका GR आपका कंप्लीट आना चाहिए। और इस आईसी के अंदर दो वोल्टेज इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका VPH वोल्टेज दो के 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज इस आईसी के अंदर इंटर करता है, और एक आपका यहाँ पे 1.8 वोल्टेज इस आईसी के अंदर इंटर करता है। ये दोनों वोल्टेज जब इंटर करते हैं और सीपीयू से क्लॉक और डाटा की लाइन कनेक्ट होती है, तो उसके बाद इस आईसी से एक वोल्टेज जनरेट होता है, जो कि एक कॉइल के थ्रू हमारा जो 4G आईसी लगा होता है नेटवर्क का उसके अंदर चला जाता है। और आपने देखा इस कॉइल के ऊपर वोल्टेज जो देखने को मिलता है ना, वो आपको यहाँ पे वेरिएशन में देखने को मिलता है, अप डाउन करता रहता है। वो क्यों करता रहता है, क्योंकि गाइस इस आईसी का काम है नेटवर्क को बूस्ट करना। जहां पे नेटवर्क कमजोर आएगा वहां पे इस आईसी के अंदर यहाँ पे कॉइल पे थोड़ा ज्यादा वोल्टेज देखने को मिलेगा, और नेटवर्क को ये बूस्ट करेगी और फोन के अंदर अच्छे से नेटवर्क लाने का प्रयास करेगी। तो इस आईसी की ये जो रिक्वायरमेंट है ये कंप्लीट आपकी होनी चाहिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 2G और 3G आईसी की, तो इसके अंदर गाइस दो लाइनें इंपॉर्टेंट होती है, RFFE क्लॉक और डाटा। ये गाइस RFFE क्लॉक और डाटा आपकी सीपीयू से निकल के यहाँ पे 2G 3G आईसी के अंदर चली जाती है। इसके अलावा अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ, तो 1.8 वोल्टेज इस आईसी के अंदर इंटर करता है। इसके अलावा एक VPH जो वोल्टेज होता है वो भी इस आईसी के अंदर इंटर करता है। तो ये दोनों जो लाइन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गाइस यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिला या फिर क्लॉक या डाटा के जो लाइन है वो यहाँ पे ब्रेक हुई सीपीयू से, तो गाइस फोन डायरेक्ट नो सर्विस या फिर इमरजेंसी कॉल पे चला जाएगा, फोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और फोन के अंदर अगर क्लॉक और डाटा RFFE क्लॉक और डाटा की लाइन अगर ब्रेक होती है, तो फोन सीधा रेडियो ऑफ कंडीशन के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो थोड़ी आगे मैं आपको अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस ये इस आईसी की रिक्वायरमेंट होती है। आपने देखा होगा कि ये मेन आईसी बोलते हैं, यहीं से एक एंटीना है वो निकल के गाइस आपने देखा होगा कि हमारे सब बोर्ड पे कनेक्ट होता है। आपने देखा होगा कि इस आईसी से एक एंटीना निकलता है, यहाँ पे गाइस अगर आप देखेंगे एक स्विच बना होता है, मतलब एंटीना स्विच जिसको हम बोलते हैं, इसके दोनों साइड पे आपको ग्राउंड देखने को मिलता है। लेकिन इसके आगे एक स्विच बना होता है जहां पे हम उस वायर को कनेक्ट करते हैं, उसके एक साइड में आपको ग्राउंड मिलता है, एक साइड में आपको ग्राउंड नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ से आपको दोनों साइड में वोल्टेज देखने को मिलता है, सॉरी गाइस ग्राउंड देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर बीच में लगा होता है। इस कैपेसिटर की वजह से गाइस यहाँ पे वोल्टेज आपको ग्राउंड देखने को नहीं मिलता। अब क्यों नहीं मिलता, क्योंकि गाइस यहाँ से एक लाइन निकाला जाता है जिसमें एक रजिस्टर यहाँ पे लगा होता है, एक रजिस्टर यहाँ पे लगा होता है, और एक रजिस्टर यहाँ पे लगा होता है। इस रजिस्टर के ऊपर यहाँ पे 1.8 वोल्टेज यहाँ पे इंटर होता है, यहाँ पे, ठीक है, 1.8 वोल्टेज यहाँ पे इंटर होता है। जैसे ही हम एंटीना को कनेक्ट करते हैं सब बोर्ड के अंदर, तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पे ग्राउंड हो जाती है, और जैसे ये लाइन ग्राउंड होती है तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट बनता है, और वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट बन के यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आ रहा है। ये गाइस डिवाइड होने के बाद 0.16 वोल्टेज अप्रोक्स, मतलब मैक्सिमम नहीं है ये, मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि इतना ये वोल्टेज होता है जो यहाँ से डिवाइडेड सर्किट बना के और यहाँ से ये वोल्टेज निकलता है और डायरेक्ट हमारा चला जाता है इस सीपीयू के अंदर। तब जाके सीपीयू को पता चलता है कि एंटीना लग चुका है, फोन के अंदर नेटवर्क लेके आना है, और पूरे नेटवर्क सेक्शन को सीपीयू ऑन कर देता है, और फोन के अंदर नेटवर्क की जो भी प्रोसेसिंग होती है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाइस, इसको आपको अच्छे से समझना है, आने वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं आपको।
क्योंकि इसकी वजह से गाइस फोन के अंदर जो वीक नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें 4G नेटवर्क आईसी की, तो इसके अंदर दो लाइनें होती हैं, RFID क्लॉक और RFID डाटा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक VPH एंटर करता है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज, एक आपका 1.8 वोल्टेज इस आईसी के अंदर एंटर करता है। अब ये वोल्टेज अगर ब्रेक हुए या फिर क्लॉक डाटा की लाइन ब्रेक हुई, तो फोन यहाँ पे गाइज नो सर्विस कंडीशन, इमरजेंसी कॉल या फिर रेडियो ऑफ कंडीशन के अंदर जा सकता है, ठीक है। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इन आईसीयू की ये रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इतना अगर आपने चेक कर लिया तो फोन के अंदर नेटवर्क आना ही आना है। हालांकि ये हो सकता है कि फोन के अंदर वीक नेटवर्क आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि नेटवर्क आएगा ही नहीं। इसके अलावा अब मैं आपको इंपॉर्टेंट लाइनें बताने जा रहा हूं, जो कि गाइज आप ये जो मैंने अभी आपको बताया, जितनी भी रिक्वायरमेंट बताई इनको अगर आप कंप्लीट चेक कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको उस लाइन को चेक करना है जब आपका फोन बने ही ना कि भाई अब नेटवर्क नहीं है। उस टाइम पे आपको फोन के अंदर गाइज यहाँ पे हायर बैंड, लोअर बैंड और मिडिल बैंड की लाइनें होती हैं, उनको आपको चेक करना है, जो कि गाइज आपका यहाँ पे 2G और 4G जो आईसी होता है इससे निकल के यहाँ पे 4G आईसी के अंदर कनेक्ट होता है, 4G से निकल के 2G में कनेक्ट होता है, और इन दोनों आईसीयू से निकल के ये WTR के अंदर कनेक्ट होता है, और यहाँ पे एक बैंड लगा होता है, मतलब इसको हम बैंड आईसी बोलते हैं, जहाँ पे एक लाइन एक पिन यहाँ पे कनेक्ट होगी और इसकी एक जो पिन है वो इस 4G में और एक यहाँ पे 2G आईसी के अंदर कनेक्ट होगी। इसके अलावा इसके अंदर एक मिडिल बैंड, लोअर बैंड की दो लाइनें WTR से निकल के 2G में आएंगी, दो लाइनें आप कि इसके अंदर 4G के अंदर देखने को मिलती हैं। इससे ज्यादा भी लाइनें होती हैं, लेकिन अगर एक या दो लाइनें अगर यहां पे मिडिल बैंड, लोअर बैंड, हायर बैंड की लाइनें एक-एक कनेक्ट होती हैं, तो फोन कहीं ना कहीं नेटवर्क को सर्च करके कनेक्ट कर लेता है। क्योंकि गाइस ये जितनी भी लाइनें, जैसे कि आपको मैंने बताया यहां पे चार लाइनें हैं, ठीक है, DRX IC से चार लाइनें WTR के अंदर आ रही हैं, लेकिन एक साथ में चारों लाइन काम नहीं करती, ठीक है। ये उस बैंड को सिलेक्ट करता है जो इसके पास में होता है। तो गाइज एक या दो लाइन भी अगर इसमें कनेक्ट हो जाएगी तो फोन के अंदर नेटवर्क आना ही आना है। तो ये सब जो आईसी होते हैं इनकी ये रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये लाइनें इंपॉर्टेंट होती है, इससे भी अलग काफी सारी लाइनें होती हैं, लेकिन इसको मैंने आपको नहीं बताया, सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइनों की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। इतना अगर आप चेक कर लेते हैं ना, इतना अगर आप यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, तो फोन के अंदर नेटवर्क 110% आना ही आना है, मतलब लोन नेटवर्क आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा गाइज अगर यहाँ पे किसी भी आईसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, मतलब ये लाइनें अगर आपकी ओके हैं और कोई भी अगर आईसी खराब हो चुकी है, इंटरनली कुछ पार्ट्स उसके डैमेज हो चुके हैं, तो फोन नो सर्विस पे जा सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर 4G नहीं आ रहा है तो 4G आईसी को भी आपको चेंज करके देखना है। अगर 2G 3G अगर आपका बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो इसको भी आपको चेंज करना है, WTR को चेंज करके देखना है। DRX आईसी होता है ये काफी कम खराब होता है, ये आपका खराब मैंने नहीं देखा कि ये खराब होता है, हालांकि इसके अंदर वाटर डैमेज के टाइम पे कुछ ये बैंड वाली जो लाइनें ब्रेक होती हैं, लेकिन खराब नहीं होती, ठीक है। फिर भी फोन के अंदर नेटवर्क तो आ ही जाता है, तो इसको ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। CPU को आपको रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे PMIC है, इसको आपको आपका ये जो वोल्टेज है इसको चेक करना। एक वोल्टेज चेक करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, कैसे पता करें कि मतलब आपकी जो PMIC है ये नेटवर्क के लिए वोल्टेज यहाँ पे जनरेट कर रही है फिर नहीं कर रही। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, फोन को आप ऑफ कंडीशन में डालेंगे, ऑफ कंडीशन में डालने के बाद फोन को आप ऑन करें, ऑन करने के टाइम आपको यहाँ पे 1.0 वोल्टेज या 1.8 वोल्टेज की लाइन है, इस पर आपको मल्टीमीटर को टच करके रखना है। अगर ऑन करने के टाइम यहाँ पे वोल्टेज आया, अगर यहाँ पे ऑन करने के टाइम वोल्टेज आया और चला गया, इसका मतलब है कि आपकी जो पावर आईसी है ये वर्क कर रही है नेटवर्क सेक्शन के लिए, यानी वोल्टेज जनरेट कर रही है, लेकिन इस सेक्शन के अंदर अदर सेक्शन के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये जो WTR आईसी है ये नेटवर्क जो वोल्टेज है उसको होल्ड नहीं कर पा रही, मतलब पकड़ नहीं पा रही है, और इसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम है। तो पावर आईसी को ऐसी कंडीशन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसी कंडीशन में गाइस CPU भी ओके रहता है और आपका जो पावर आईसी है ये भी ओके कंडीशन के अंदर रहता है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे RFID क्लॉक, RFID डाटा और इन सभी आईसीयू की जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है उसको आपको चेक करना है, ठीक है। RFID क्लॉक और RFID डाटा को आप DOCO से चेक कर सकते हैं, वोल्टेज को गाइस आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। अगर आपने इतना चेक कर लिया तो मैक्सिमम जो फोन है ना उनको आप रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। ये जितना मैंने आपको बताया उतना आपको YouTube पे कोई नहीं बताएगा, अगर कोई बताता है तो आप कमेंट करके बताओ कि हाँ हमने इससे ज्यादा नॉलेज कहीं देखा है, ठीक है। क्योंकि गाइज ये जो नॉलेज है ना ये सीखने के लिए आपको 50 से लेके 1 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे, तभी जाके आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर आप सीख पाओगे, और मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप अच्छे से सीखने का प्रयास नहीं कर रहे, ठीक है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन भाई वीडियो को देखते नहीं है और डायरेक्ट कमेंट करते हैं कि इस सेक्शन के बारे में आप बताइए, क्या बताएं इस सेक्शन के बारे में, जब आपने वीडियो ही नहीं देखा है। अगर आप वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो गाइज कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, ठीक है।
ये जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ इससे आपका फायदा ज्यादा है, मेरा कम है। हालांकि मैं वीडियो बनाता हूँ तो मतलब इससे मेरा भी थोड़ा फायदा है, लेकिन आपका ज्यादा फायदा है इससे, ठीक है। क्योंकि ये चीजें आपको फ्री में कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं सिखाएगा। आपको अपनी शॉप को क्लोज करने के बाद कहीं सीखने के लिए जाना पड़ेगा, अच्छा खासा आपको वहां पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, और उसके बाद आप ये चीजें सीख पाएंगे। हो सकता है कि इतनी अच्छी चीजें वहां पे सीखने को ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो कम से कम यार मतलब सपोर्ट तो किया करो, इतनी अच्छी वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ और आप मतलब क्या बोलते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते अभी। आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि ऐसी वीडियो कितनी आपको चाहिए, ठीक है। क्योंकि गाइस अगर आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो आने वाले टाइम के अंदर गाइस इसी तरीके से मैं आपको बोर्ड के ऊपर भी बताने वाला हूँ और अदर जो सेक्शन है, चाहे वो पावर सेक्शन हो या फिर नेटवर्क का सेक्शन हो या फिर सीपीयू सेक्शन हो, ईएमएमसी सेक्शन हो, ठीक है, या ऑडियो सेक्शन हो, सभी सेक्शन के बारे में इसी तरीके से डिटेल के अंदर जानकारी मैं आपको देता रहा हूँ। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि आने वाले वीडियो आपको चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा। गाइज कमेंट करके आपको बताना ही बताना है, ठीक है। क्योंकि अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे तो आने वाले वीडियो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं लेके आऊँगा। इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में बताया, आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको डायग्राम के अंदर भी बताने वाला हूँ कि डायग्राम में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे चेक करेंगे, किस वोल्टेज को कब चेक करना है, किसको पहले चेक करना है, ठीक है। तो इसके बारे में गाइज मैं आपको डिटेल के अंदर जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ में आप यहाँ तक बने रहे, इसके लिए गाइज आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को ये जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, ये अगर आपको अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि सही बताया, तो गाइज आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी आपके साथ में जोर जबरदस्ती नहीं है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर मिलेंगे।